वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स शकीला किचन। आज की रेसिपी में आप लोगों के लिए बहुत ही मजे का खुबानी का मिल्क शेक बना रही हूँ। ये बहुत ही मजे का बनता है, आपने इसको ट्राई जरूर करना है। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी का बटन नजर आएगा उसको भी याद से ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चले खुबानी का मिल्क शेक शुरू करते हैं। तो इसके अज़ा नोट करें, ये मेरे पास है एक कप दूध, डेढ़ टेबलस्पून चीनी, एक से दो टेबलस्पून मैं इसमें कंडेंस मिल्क डालूंगी। ये ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। अगर डाल लेंगे तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये कुछ बादाम और पिस्ते कटे हुए गार्निश के लिए कुछ मैं इसमें डालूंगी थोड़े से। ये थोड़ी सी बर्फ है और एक कप खुबानी है, ये मैंने ली है, इसको मैंने तोड़ लिया। चले आए मिल्क शेक शुरू करते हैं। चले ये मैंने ब्लेंडर ले लिया, इसमें डालूंगी एक कप खुबानी, चीनी और ये दूध। चले इसे मैं बना लेती हूँ। चले इसे मैंने एक मिनट तक ग्राइंड कर लिया। अब इसमें जो बादाम और पिस्ते हैं ये मैं थोड़े से डालूंगी और साथ ही मैं वो कंडेंस मिल्क इसमें डालूंगी। ये मैंने दो टेबलस्पून डाला इसमें। अब ये जो बर्फ है ये भी इसमें डालूंगी। तो फिर इसे मैं एक से दो मिनट तक ब्लेंड कर देती हूँ। चलिए मिल्क शेक हमारा तैयार है, तो अब इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। थोड़े से बादाम और पिस्ते ये मैंने ऊपर डाले, आप इसको बनाएं, इसको ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनता है ये मिल्क शेक। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आज की रेसिपी खुबानी का मिल्क शेक आपको कैसा लगा। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।